अनलॉक सीट्स की शुरुआत आज से शुरू हो गई है और आज रविवार का दिन है। वैसे तो रविवार के दिन आप देख सकते थे कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन आज कई चीज़ों को खोला गया है। और हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, यह मुख्यतम चौक राजधानी का एल्बर्ट का चौक है और आवागमन भी आप देख सकते हैं कि रविवार को जिस तरह से हलचल नहीं रहा करती थी उसके अनुपात में काफ़ी तेज़ हलचल है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, कई सारे दुकान खुले हुए हैं, सब्जी के दुकान खुले हुए हैं, किराना दुकान खुले हुए हैं, राशन के दुकान खुले हुए हैं। हालांकि मेडिकल दुकान को तो खुलने की इजाज़त दी गई थी और अन्य चीज़ों के सभी दुकानों को बंद कर दिया गया था। वैसे में अब देख सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं अब बेहतर पहले से हो रही है। सब्जी हो, फल दुकान हो, सभी अब दुकान खोल पा रही थी। कितना नुकसान होता था रविवार को दुकान बंद रहता था तो बताइए। आइए दीदी, आगे आइए, जरा आगे। कमाने खाने वाला आदमी का नुकसान नहीं होगा, बताइए तो। हम घर में बैठे रहते, जो सामान बचा था सब सड़ गल। तो सभी का सब्जी दुकान, फल दुकान वाले को कहना है कि सब्जी सड़ जाता था, गल जाता था। बताइए दीदी, अब कितना बढ़िया हो गया रविवार को खुल रहा है, जरा बताइए। आइए इधर देखिए, बोलिए ना, बताइए। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, कितना नुकसान हो रहा था आप गरीबों को? हर संडे का बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था, घर चलना आफत हो, सामान सड़ जा रहा था, सामान सड़ जा रहा था, सब्जी फल खुल गया है, बहुत अच्छा हुआ है। अब थोड़ा हलचल अच्छा लग रहा है, तो दिख रहा है सब। और समय से पहले भी बंद करा दिया जाता था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रांची की और एल्बर्ट कंचौत की, और आप देखिए कि किस तरह से जो है अब रविवार को ये दिन भी अब दुकानें खुल रही है। और हालांकि 10 बजे तक का इजाज़त दे दिया गया है। भैया बताइए किस तरह से जो है अब आवागमन भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ है। चाय दुकान पे अब धीरे धीरे भीड़ लगने लगी है क्योंकि रविवार का दिन जो है बंद रहा करता था। कितना नुकसान होता था बाबू रविवार को बंद रहता था तो, और समय से पहले बंद हो जाता था बताओ। बताओ कितना नुकसान हो जाता था रविवार को? रविवार को तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाता था। आराम होता था या नुकसान होता था? नुकसान तो होता था भाई, हम लोग रोजी रोटी कमाने लगता नहीं, एक दिन दुकान बंद रहता तो मुसीबत आ जाता। आराम भी तो मिलता था एक दिन, आराम मिलता तो भैया गरीब आदमी कहाँ आराम रहेगा, एक दिन रोजी रोटी चलता है, क्या करिएगा सब कुछ। अब तो रात 10 बजे तक भी खोल सकोगे तुम? हाँ, 10 बजे तो नहीं, 8 बजे तक बंद करके चले जाते हैं, पुराना आदत बना हुआ अभी। हाँ, अभी तो सरकार इजाजत तो दे दी 10 बजे तक। अब 10 बजे तक खुलने की इजाज़त दे दी तो रेस्टोरेंट सब करना बोला है 10 बजे तक। हम लोगों तो भैया छोटा मोटा फुटपाथ दुकान है तो 8 बजे तक बंद बढ़ा देंगे, बढ़ा दीजिए। कितना नुकसान हुआ कोरोना काल में? नुकसान तो भैया सभी का हुआ, सबकी स्थिति खराब हो गया। तो देखिए तस्वीरें, अब जो आप कह सकते हैं कि अब ये चौक की तस्वीर है और कई सारे दुकानों को खोला गया है। जितने भी दुकानों जो है, हालांकि रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही जा रही थी और लोगों ने इसका अनुपालन भी किया। हालांकि कई बार ऐसी भी तस्वीरें आई कि रविवार के दिन भी जो है कई लोग घूमते हुए नज़र आने लगे, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी फैसले लेने लगे और लोग भी लगातार जो है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पालन भी किया। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है अनलॉक होते हुए दिख रही है, रविवार को कितना नुकसान हो जाता था? बहुत नुकसान। अब रविवार को खुल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छी लग रहा है, लेकिन अब स्टार्टिंग आज ही थी ना। हाँ, आज देखते हैं। सवारी मिल रहा है? नहीं, अभी तक सब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा ना, भाई क्या करें, सबको पता भी नहीं ना है कि सवारी मतलब इतवार को खुला है, ये इतवार छोड़ के अगला इतवार होता है। हाँ, ये देखिए रिक्शा वाले का कहना है, क्योंकि इन लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, कहना है कि इस रविवार को लोगों को हो सकता है पता नहीं है, अगले एतवार से अगर लोग जानेंगे तो और ज़्यादा भीड़ होगा। कितना नुकसान होता था रविवार को बंद रहता था तो? 1500 का नुकसान हो जाता था। तो ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप कई सारे दुकानों को खोला गया है, जूस का दुकान है, खाना का दुकान है, लोगों को भटकना पड़ जाता था। बताइए रविवार को बंद होता था तो कितना दिक्कत हो जाता था संपूर्ण लॉकडाउन से? अब खुल रहा है धीरे धीरे, तो कैसा ठीक है? क्या कहेंगे भैया, बंद होने का बहुत दिक्कत होता था खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए भटकना बहुत दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत। और अभी खुलने का पता भी नहीं चल रहा है, पता कब खुलेगा पता नहीं है। अभी कल सरकार बोला बंद खुलेगा और भी बंद भी, फिर सब भी रांची बंद लग रहा है, खाने पीने का बहुत दिक्कत हो जा रही है। अरे रेस्टोरेंट में गरीब आदमी कैसे खा सकते हैं? फुटपाथ दुकान बंद रहे थे, गरीब लोग कैसे खाएंगे? रेस्टोरेंट में 100 1000 500 रुपये लगा, सही बात है। बड़े बड़े दुकानों को खोला जा रहा था,
लेकिन छोटा छोटा दुकान बंद, छोटे छोटे दुकान। तो ये एक बड़ी बात भाई साहब ने कहा है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट को तो इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन छोटे छोटे फुटपाथ दुकानदारों को बंद करने जो है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हॉस्पिटल से भी आती है, हॉस्पिटल से भी आती है जी, तो भी खाने पर आदमी पैसा लगा के खाएंगे, 400-500 रुपया डॉक्टर से दिखाने आएंगे और हॉस्पिटल से देहात वहाँ से आएंगे तो कैसे खाएंगे। काफ़ी संख्या में इलाज कराने के लिए राजधानी रांची आते हैं, लेकिन उनका कहना है, उनके परिजनों का कहना है कि हम आखिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कैसे पैसे लगाकर खाएंगे, ये बड़ी बात है और ये इन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। आगे उम्मीद करता हूं कि जो है अब अनलॉक 6 के द्वारा जो है सभी चीज़ों को धीरे धीरे खोला जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि रविवार को जो संपूर्ण लॉकडाउन का बात है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब जो है रविवार के दिन जो है सभी चीज़ों को खोलने से कहीं ना कहीं राजधानी रांची में लोगों को अब जो है धीरे धीरे निजात मिलती जा रही है और आगे करता हूं उम्मीद करता हूं कि और भी ज़्यादा इजाज़त मिलती जाएगी धीरे धीरे। फिलहाल इस वीडियो में आप बने रहिए लाइव लगातार के साथ और मैं राजधानी रांची से कौशल कुमार। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।